So friends, welcome back to my channel. My name is Prince and you are watching a new report on Wrestle Reporter. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए दो अपडेट्स हैं, जहां हम एक तरफ इस बारे में बात करेंगे कि रोमन रेंस नेक्स्ट वीक होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए रेडी हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम पेज की इंजरी के बाद पेज के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि उन्होंने रॉ के खत्म होने के बाद दिया। तो फिर चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद बैकस्टेज रोमन रेंस और पेज का छोटा सा इंटरव्यू हुआ। आज की धमाकेदार रॉ तो आपने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपको रिजल्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके रॉ के रिजल्ट के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स रॉ के खत्म होने के बाद रोमन रेंस से पूछा गया कि सोशल मीडिया पे आपकी और मिच की लड़ाइयाँ हो रही हैं और नेक्स्ट वीक आपको मिच से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी डिफेंड करना है, तो क्या आप उस मैच के लिए प्रिपेयर्ड हैं? और इसका जवाब देते हुए रोमन रेंस ने कहा, प्रिपेयर्ड मैं तो इसी के लिए पैदा हुआ था। मिच तो सोशल मीडिया पे बातें करते रहते हैं, पर ये मिच के बारे में नहीं है। 25 साल पहले मेरी फैमिली, मेरे कजन, मेरे खून योका जूना ने उसी रॉ में रेसलिंग की थी और मैं भी नेक्स्ट वीक वही करूंगा। नेक्स्ट वीक मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा और अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मिच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वीक की रॉ मेरे बारे में होगी। वहीं अब बढ़ते हैं पेज की तरफ। तो पेज से बैकस्टेज उनके इंजरी के बारे में पूछा गया, तो इस पे पेज ने कहा कि ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं अब रॉयल रंबल मैच में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी क्योंकि यही ऑर्डर्स है डॉक्टर्स का। मैं सच में चाहती थी कि मैं उस हिस्ट्री मेकिंग मैच का हिस्सा बनूं, पर कोई बात नहीं, मैं रॉयल रंबल में अपने टीम को सपोर्ट करूंगी और रॉयल रंबल मैच में एब्सोल्यूशन टीम की ही जीत होगी। तो यार सच में पेज के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वैसे ही उन्होंने काफ़ी टाइम बाद वापसी की थी और रॉयल रंबल मैच के अनाउंसमेंट के बाद वो काफ़ी खुश और इमोशनल भी दिखाई दे रही थी, और अब उन्हें इंजरी की वजह से रॉयल रंबल मैच में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, तो सच में उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। खैर अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं उनका फ्यूचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जहां मैंने आपको बताया रोमन रेंस और पेज के बैकस्टेज इंटरव्यू के बारे में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।